इस बार पहली बार यहाँ भी मुझे अच्छा ही लगा, उनकी तरह वैसे ही यहाँ भी शायद हर सालाना होता। मैम क्या मांगे आपने आज, क्या मांगे? अपने ये दोनों को लेकर आऊं मेरे चेहरे पे। तो हमारे लिए भी मतलब ये पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे, एंड ऑल बिकॉज ऑफ मतलब इनकी वजह से हम यहाँ पे आ पाए। यस एक्चुअली उन्होंने हमें बोला कि आप जाओ, और देन वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया। तो बस पापा का मन था कि हम यहाँ पे आए। ये बोलती भी है, बोलिए। बहुत अच्छा लगा गणपति जी के, हमने दर्शन किए इतने बड़े गणपति जी। दोनों मुंबई से हैं। हाँ एक्चुअली हमारे लिए सब तो बहुत न्यू है। हमारे मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में ऐसे पंडाल वगैरह गणपति के नहीं होते, मेरे लिए बहुत न्यू है ये सब। और रूपाली मैम की वजह से आज देखना हो गया। तो कैसे लग रहा है आपको फिल्म बताते, कितने एक्साइटमेंट है आपने बोल मैम के साथ है अंधेरी के राजा में पहली बार, कैसे लगे एक्साइटमेंट, क्या मांगा आपने? बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मांगा मैंने। नवसा सा गणपति कहते हैं, मतलब कि अगर जो भी होती है मान्यता ऐसा कहा जाता है मुझे। नहीं अंधेरी के राजा का मान्यता यही है जी। बोल रही थी बाबी बोले। तो क्या मांगे आपने बता दो, क्या मांगे बताएंगे बताएंगे तो मैं कुछ भी क्या मांगे हम भी मांग लेंगे ना कुछ ऐसा ही। मेरे घर पे हम मम्मी के यहाँ मेरा ये था कि एक कुछ हो जाए तो मैं गणपति लाऊंगी। बचपन से हम गणपति घर पे लेकर आ रहे हैं, दिस वाज आवर 34th ईयर। एंड बहुत घर की भी पूजा होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर कुछ फैंसी ऐसे डेकोरेशन वगैरह जो मैं देखती हूँ ना इंस्टाग्राम पर फोटो आती है, डू रिस्पेक्ट करना चाहिए वो ऐसे सब। हमने हमारा पर हम अपने जब मम्मी की साड़ियाँ लेके हम कर लेते हैं आधे घंटे में हमारे डेकोरेशन, मम्मी की साड़ियाँ हम मेरा भाई करता है काफ़ी स्वभाव से आती है, मतलब मेरा भाई सब कर लेता है। फिर लाइट भी खुद ही लगाते हैं हम, वो लड़ी भी जो आती है वो दादा से खरीदी है, सालों साल धो के फिर रख देते हैं, फिर गणपति के टाइम पर बाहर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि फेंक दो अरे नया लेकर, सब नहीं होता हमें। और फूल के दो बुके होते हैं सामने और समय वगैरह होते हैं, नॉर्मल सिंपल महाराष्ट्र गणपति। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे घर में ही खाना बनता है, खुद ही बनाते हैं। और जो लोग आते हैं दर्शन जो जानते हैं, हम किसी को बुलाते हैं नहीं, जो जानते हैं वो आते हैं। तो गणपति मेरे लिए बहुत स्पेशल, पहले पापा लेकर आते थे और मैं मेरे भाई छोटे छोटे पीछे घूमते थे, उसके बाद फिर पापा की तो उसके घर में तो बाइक ख़राब होने लगी, फिर मैं लेकर आती थी, मैं काफ़ी ऊपर ले गई। तो हाँ, और वो शाडू माती के जो गणपति होते हैं वो भारी होते हैं, जो छोटी सी मूर्ति भी काफ़ी वजनदार होती है। एंड उसके बाद फिर मेरा भाई मैं, और इस बार तो पूजा मेरे रुद्रांश ने की है, शंकर देव पीछे मतलब हमारे गांव राजा की पूजा रुद्रांश ने की है। सो हाउ जनरेशन चेंज एंड हाउ यू नो थिंग्स हैव मूव्ड विद गणपति, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है गणपति बप्पा, तो बहुत ही स्पेशल है। इस बार आपके दो दो घर में हुआ, एक अनुपमा का सेट पर भी घर है, आप वहाँ भी सेट पर चल रहे हैं और घर में भी है। अनुपमा का सेट है वहाँ पर, की तो बात ही मजबूत है। आई थिंक सुबह शाम हम वहाँ पे आरती करते हैं, आरती गाते हैं। आप लोग को ना ऐसे नहीं कि जिस दिन स्थापना हुई उस दिन आप लोग आए, उस दिन तो हम तैयार व्यार होके रहते हैं, लेकिन अगर आप आएंगे सुबह 9 बजे और खासकर शाम को 7 बजे की हमारे अनुपमा के सेट की आरती आप देखिए, पूरे फिल्म सिटी में गूंज रही होती है, पूरे फिल्म सिटी में हम लोग माइक वाइक लेके और हमारा एक हमने एक सिंगर इम्पोर्ट किया, इम्पोर्टेड सिंगर है हमारा, और ये खुद भी गाते हैं, नेपाल से सिंगर है, हमारे डायरेक्टर है भीम करकी, जो सारी आरतियाँ गाते हैं। हाँ, और पूरा मतलब कप स्केल चेंज करता है वो, मतलब गेस्ट वर्क पे सरप्राइजिंगली नेपाली है बट मराठी, मतलब आरती गाता है वो। एंड उसके साथ में मुझे आरती गाने का शौक है, सारा पूरा हम लोग का यूनिट
काफी एक तरह से मिलके सब लोग खड़े हो जाते हैं, अरे आरती 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 का टाइम, बाकी लोग डांस भी कर रहे होते हैं, ये गा रहे होते हैं, हम डांस कर रहे होते हैं, तो गणेश भैया पूरा फैमिली एक साथ, इट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। प्लीज आप लोग आइए 7 बजे अनुपमा के सेट पे, अगर राजन जी परमिशन दे तो कल है, कल है एंड अनुपमा की आरती देखिए आप, कल आना ना, कल है मैम आखिरी में फैंस के क्या बोलना चाहते हैं, उसमें कहीं जाना आपको बता रहे हैं जल्दी, कहाँ फैंस के लिए क्या बोलना चाहते हैं आखिरी में, गणपति फैंस के लिए यही, आप सभी को और आपके सारे जो आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त, आपके सभी, आपका पूरा परिवार जो है, उन सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बापा आप सबके जीवन में सद्बुद्धि लाए, क्योंकि आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सभी वी हैव फॉरगॉटन टू बी ह्यूमन, हम बोलते हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन हम भूल गए हैं कि एक्चुअली ह्यूमन होना क्या होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब काइंडनेस अपने आसपास के जानवरों के लिए उन्हें रोटी दे दीजिए, या चाहे अपने आसपास के लोग, कोशिश कीजिए कि आप किसी को हौसला करें, कोशिश कीजिए कि आप अपनी बोली से किसी तरह, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा तंग करे परेशान करे तो प्लीज़ जवाब दीजिए चुप मत रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि kindness, to find kindness within yourselves, or let's make it a kind body. It is very, very important. Let's all find kindness within ourselves. Ganpati Bappa, Mangal Murthy, Andheri Ki Raja Ji, Hey, Sakshi, apne friend ko bhejo, jaldi se, photo jaldi se.